मेयर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुनेश गुर्जर के मामले को लेकर अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार मुनेश गुर्जर पर लटक रही है। इस पूरे मामले को लेकर जांच को तेज किया गया है। बता दें, हेरिटेज नगर निगम में भ्रष्टाचार का ये मामला, एसीबी ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया है। चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। मेयर मुनेश गुर्जर, उनके पति सुशील गुर्जर के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है। इसके अलावा नारायण और अनिल के खिलाफ भी आरोप पत्र पेश हुआ है। मेयर मुनेश गुर्जर कोर्ट नहीं पहुंची हैं। खराब स्वास्थ्य का हवाला उन्होंने दिया है। कोर्ट में पेश प्रार्थना पत्र उन्होंने किया है। पीठ में दर्द होने के कारण 7 दिनों के बेड रेस्ट का हवाला देते हुए आज मुनेश गुर्जर कोर्ट नहीं पहुंची हैं। तो ये बड़ी खबर जयपुर से, हेरिटेज नगर निगम में भ्रष्टाचार का ये मामला, एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र आज पेश किया गया है। मुनेश गुर्जर के साथ साथ चार आरोपियों के खिलाफ भी चार्जशीट पेश की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ सहयोगी सोमू आनंद जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सोमू, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज कोर्ट में पेशी होनी थी मुनेश गुर्जर की, क्या अपडेट है? आखिर कोर्ट क्यों नहीं पहुंची मुनेश गुर्जर? पूरा मामला क्या, इसमें ताजा अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, इस मामले में सबसे ताजा अपडेट ये है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को है और 5 अक्टूबर को मेयर मुनेश गुर्जर कोर्ट में पेश होंगी। लेकिन इससे पहले, क्योंकि एसीबी में जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इसे रद्द करवाने को लेकर के, इसे समाप्त करवाने को लेकर के वे हाईकोर्ट का रुख कर चुकी हैं और हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 21 तारीख को है। अगर हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत दे दी तो फिर अगली सुनवाई पर भी कोर्ट में पेश होने का बहुत मतलब उनके लिए नहीं रह जाएगा। लेकिन देखना यह है कि 21 तारीख को हाईकोर्ट क्या करता है। आज मेयर मुनेश गुर्जर को पेश होने का नोटिस जो है वो एसीबी ने पहले ही दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ आज चालान पेश होना है, इसलिए उनकी उपस्थिति जरूरी है। लेकिन उनकी तरफ से उनके वकील दीपक चौहान ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया और बताया कि मेयर मुनेश गुर्जर की तबीयत खराब है, बैक पेन है और वे न चल सकती हैं, ना उनके मूवमेंट में बहुत दिक्कत है। उन्होंने दस्तावेज भी सौंपे कोर्ट को और उसके बाद कोर्ट में हालांकि परिवादी पक्ष की तरफ से यह दलील दी गई कि उन्होंने जो दस्तावेज सौंपे हैं वो निजी अस्पताल के हैं, उन्हें सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से कोई सर्टिफिकेट जो है वो सौंपना चाहिए। लेकिन तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 5 तारीख की अगली तारीख दी है। उस तारीख को मेयर मुनेश गुर्जर को पेश होना पड़ेगा कोर्ट में, लेकिन उससे पहले 21 तारीख को, क्योंकि हाईकोर्ट में भी इस मामले से जुड़ी हुई सुनवाई है, तो अब सबकी निगाहें 21 तारीख की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल सोमो, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर यूडीएच मंत्री की तरफ से भी कई बार बयान सामने आ चुका है, लेकिन इस भी समझने की अगर कोशिश करें, लगातार जांच पड़ताल भी चल रही है, कार्रवाई को तेज भी किया गया है, मुनेश गुर्जर पर तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन इसके अलावा इस पूरे मामले में अब तक कितने लोगों का नाम सामने आ चुका है? देखिए, अभी जो आरोप पत्र पेश हुआ है वो 4 लोगों के खिलाफ, मेयर मुनेश गुर्जर, उनके पति सुशील गुर्जर और उसके साथ साथ नारायण और अनिल, जो कि 2 लोग उनके साथ गिरफ्तार हुए थे, इन 4 लोगों के खिलाफ एसीबी ने अपनी जो चार्जशीट है वो पेश की है कोर्ट में और अब इस चार्जशीट के हवाले पर आगे कार्रवाई होनी है। मेयर मुनेश गुर्जर ने अपनी तरफ से ये जवाब दिया था कि उनकी भूमिका इस पूरे मामले में नहीं है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि एक बार फिर से जब उनको यूडीएच की तरफ से, जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से, डीएलबी की तरफ से 3 दिनों का वक्त कल भी दिया गया था नए तरीके से जवाब पेश करने के लिए, तो उसका वो क्या कुछ जवाब देती हैं, 21 तारीख को सुनवाई में क्या कुछ होता है। आज कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से काफी बहस देखने को मिली और मुख्य रूप से जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको लेकर के जो बहस थी वह केंद्रित रही, लेकिन अंततः कोर्ट ने 5 अक्टूबर की नई तारीख जो है वो मुकर्रर की है। अब 5 तारीख और उससे पहले 21 तारीख को जो हाईकोर्ट ने सुनवाई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोमू, तमाम जानकारियों के लिए।